हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने एक्स टेक्नो चैनल पर। चलिए आज हम लोग जानते हैं इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इनकम सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम लोग चलेंगे RTPS के साइट पे। गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे सर्विस online.bihar.gov.in। ये टाइप करने के बाद इस तरह का पेज खुल करके आएगा, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर हम RTPS साइट पर रजिस्टर्ड हैं तो, अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना नया पासवर्ड जनरेट करेंगे और रजिस्टर्ड हो लेंगे खुद का पंजीकरण पर क्लिक करके। उसके बाद जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। लॉगिन के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का पेज खुल करके आएगा। लॉगिन पेज खुल करके आएगा। लॉगिन पेज खुल करके आने के बाद जो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और RTPS पर रजिस्टर्ड पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विसेज पर जाएंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर आएंगे। और एप्लीकेशन जब आपका सबमिट हो जाएगा तो यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग व्यू ऑल सर्विसेज पर जाते हैं। एक हमारा इस तरह का पेज खुल करके आएगा जिसमें कि सर्च बार रहेगा। इसमें हमको इनकम सर्टिफिकेट का चूंकि जरूरत है, इनकम टाइप करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर तीन ऑप्शन आएगा। एक में रहेगा DM लेवल, RO लेवल और SDO लेवल। तो चूंकि सबसे पहले RO लेवल का यानी रेवेन्यू ऑफिसर यानी ब्लॉक लेवल का अप्लाई हो जाने के बाद ही SDO लेवल का होता है, उसके बाद ही DM लेवल का होता है। तो चूंकि मुझे जरूरत है RO लेवल का, इसके वजह से जो है हम RO लेवल पर क्लिक करेंगे। RO लेवल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आएगा। इसमें जो भी चीज़ है आप अपना फुल एड्रेस, पिता का नाम, माता का नाम सब कुछ टाइप करेंगे। इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर भी हम लोग जो है दोस्तों चेक कर लेंगे। अगर कोई गर्ल्स का है, मैरिड है, तो उनका हस्बैंड का नाम डालना है। तो उसके मोबाइल नंबर हमको डालना है। मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है वही डालें। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालें, अपना फुल एड्रेस डालें। और अगर मोबाइल से आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आधार नंबर की जगह को खाली छोड़ दें। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पर जाएं और चूज फाइल के ऑप्शन पर जाने के बाद जो आप गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से आप अपना जो फोटो अपलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और ओपन कर दें। फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन क्या है, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारी सेलेक्ट करेंगे। निजी सेवा व्यापार जिस हिसाब से हैं, हाउस वाइफ हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। पर्पस क्या है, स्कूल एडमिशन, स्कूल स्टिपेंड, कॉलेज स्टिपेंड, जो भी आपका पर्पस होगा तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका चूंकि इनकम नहीं है तो फादर का आय डाल देंगे। बिजनेस से है तो बिजनेस से, कृषि से है तो कृषि से, गवर्नमेंट सर्विस से है तो गवर्नमेंट सर्विस से, अन्य स्रोत से है तो अन्य स्रोत से डाल देंगे। उसके बाद टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड का डालने के बाद जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक दोस्तों इस तरह का पेज खुल करके आएगा। इसको हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो हम लोग चलेंगे अटैच एनेक्सर पर। अटैच एनेक्सर पर जो है हम लोग चलने के बाद जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, आधार नंबर बोथ साइड एक ही पेज पर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और जो भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। चूंकि हमारे पास आधार कार्ड का यह है स्कैन कॉपी है तो आधार कार्ड हम क्लिक कर लिए। उसके बाद चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल पर जाने के बाद जो है हम अपना गैलरी से जा करके जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद सेव एन एक्सर कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जो है हमारा एक पेज खुल करके आएगा, PDF फॉर्मेट में आएगा। PDF फॉर्मेट में हम सारा चीज़ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो है इसको क्या कर लेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा सबमिट हो गया है। और सबमिट हो जाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे या सेव एज एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे। एक्सपोर्ट एज PDF करने के बाद जो है PDF के रूप में सेव हो जाएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए एक्सपोर्ट टू PDF लिखा हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद जो आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।